बहुत हुआ ये बंदिशों का खेल, अब रूह आजाद होना चाहती है। ऐ इश्क अपना जादू बिखेर और ले चल मुझे अपने साथ कहीं दूर, उन फिजाओं में, पहाड़ों की उन ठंडी ठंडी हवाओं में, जहां मैं और मेरा इश्क मेरे साथ हो। ये बारिशों के दिन भी अलग ही होते हैं, चारों तरफ बारिश की बूंदें और पहाड़ों को अपने आगोश में लेते बादल। कभी नरम तो कभी गर्म ये पहाड़, कभी मासूम से बने रहते हैं तो कभी गुस्से में, लेकिन फिर भी ये मौसम अपना फेवरेट है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एक नया सफर, नया दिन, और आज हम लोग जा रहे हैं, पहले जाएंगे देहरादून, उसके बाद चकराता और बाकी आगे देखते हैं कि कहां कहां की ट्रिप बनेगी। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मैडम को लेने के लिए, ठीक है, पहले उसे पिक करते हैं, फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट होगी अच्छे से। और यार मौसम तो थोड़ा अभी साफ है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, आजकल थोड़ा बारिश वारिश बहुत दबा के हो रही है, कभी भी हो जा रही है। होप सो कि सफर अच्छा रहे, बारिश वगैरह ना हो। तो ये देखो फिलहाल तो अभी धूप हो रही है, लेकिन देखते हैं आगे का क्या होता है। जर्नी में बने रहना लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो जर्नी है ना अनप्लैंड है। अभी फिलहाल हमारी जो प्लानिंग है कि चकराता तक जाना है हमें, अब बाकी उसके आगे देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अगर टाइम रहा वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू आवर ट्रिप, और आगे भी जाएंगे देखते हैं, और अगर टाइम नहीं रहता तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। चलो मिलते हैं फिर आगे। ओके देन, तो ऑलरेडी थी धूप हो रही है, बहुत देर हो गए, बहुत वेट करते करते लगता। बेसिकली हमारी सोसाइटी उधर है, और ये लड़का अब आ रहा है। कितनी लेट कर, यहाँ क्यों खड़े हुए हो? क्या हुआ? कब से वेट कर रही हूँ मैं। अरे तो अरे ये हवाई जहाज थोड़ी ना कि उड़ के आ जाऊंगा, रोड है, रास्ता है, लंबे लंबे ऊपर से जवान तो आना ही पड़ता है, तो थोड़ा धीरे धीरे आना पड़ता है, पता है बारिश का मौसम हो रखा है, बारिश यहाँ पे तेज धूप हो रही है। चलो चले चलो, लेट्स गो। मानची जो है सुबह से मेरा वेट कर रही, तो मैं उसे थोड़ा और परेशान कर रहा था। बारिश तो अभी नहीं हो रही है और हम हैं रेडी अपनी मंजिल को चूमने के लिए। हाईवे की बिजी रोड से हटके हमने एक प्यार भरा कट लिया और पहुंच गए थानो वाली रोड पर, जहां चारों ओर सुंदर सुंदर घाटियां और जहां रोड भरी तो थी फिर सिर्फ शांति से। अभी अभी हम यहाँ पे रास्ते में यार एक मंदिर आया था किसी ने हम लोगों को कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो आपको दिखाता हूँ मंदिर।
माता रानी का मंदिर, वो वहाँ पे नीचे जो पनेरा टाइप का है, हमारे गांव में भी सेम ऐसे ऐसे ही पनेरे होते हैं। थोड़ा सा बस ये है कि ये थोड़ा छोटा सा पनेरा है, हमारे साइड भी थोड़ा बड़े पनेरे रहते हैं और काफ़ी मेहनत मशक्कत के। सेम यही हाइट है मेरे गाँव के भी लगभग, मतलब घर इतना ही ऊपर है जैसे ये मंदिर है, इतनी ही ऊंचाई पे हमारा घर है। और नीचे से पानी भरने के लिए हमारे गांव में भी हमारे सेम ऐसे ही है, तो हमें भी भाई पानी भरने के लिए ऐसे ही नीचे जाना पड़ता है सीढ़ियों से बाई सीट। लेकिन यार व्यू अच्छा, शांति एकदम, बहुत ही बढ़िया। वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ते हैं, माता रानी के दर्शन कर लिए। यार वही मौसम का कुछ पता तो रहता नहीं है, तो देखो सेम एज इट इज, अभी भी बारिश आ चुकी है, बारिश चल रही है, तो हम लोग यहाँ सोच रहे थे यहाँ बैठेंगे थोड़ा सा, लेकिन अब यहाँ से चल रहे हैं थोड़ा, वो शेल्टर है वहाँ पे जाते हैं, उसके अंदर वो वाले शेल्टर के अंदर बैठते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चलेंगे आगे। अरे यार ये बारिश का मौसम जो है ना, बारिश में असली पहाड़ों की जो खूबसूरती का जो पता चलता है ना, यही एक मौसम है जिसमें पता चलता है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है चारों तरफ। तो हम सोच रहे थे इसके अंदर बैठने का, लेकिन नहीं, इसके अंदर नहीं बैठना, वहीं चलते हैं, दौड़ के चलो, दौड़ के भाई फाइनली पहुंच गए। अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं कि उसके बाद चलेंगे, थोड़ा बारिश रुकेगी तो। ये हो रहा है, देख रहे हैं इनको, बारिश हो रहा है। तो भाई मंदिर शांति, पीस, बारिश, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। माँ भगवती अन्नपूर्णा मैया मंदिर हमारे उत्तराखंड में। आप सोचते होंगे कि यार ये मंदिर ही मंदिर क्यों दिखाते रहते हैं, यार उत्तराखंड हमारा है ही देवभूमि, तो मंदिर के अलावा तो बहुत ही कम चांसेस है कि मंदिर कहीं हो ही ना। तो हम देवभूमि में रहते हैं, तो देवों से आस्था जुड़ी हुई है हमारी, तो इस वजह से मंदिर भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। रात के बज रहे हैं 11 और बारिश देखो यार कितनी तेज़ हो रही है। अब कल क्या होगा अगर इतनी तेज़ बारिश होगी, तो देखते हैं अगली सुबह। देहरादून आए हैं, चकराता जाएंगे, तो रास्ते में ये सब चीज़ें तो मिलेंगी ही, बारिश ही बारिश है, देखो कितनी ठंडा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब थोड़ी देर शांत रहता हूँ और सुनो इस बारिश को और खो जाओ इस बारिश के नशे में। बारिश ने भले ही पहिए रोक दिए, पर हौसले हमारे नहीं रोक पाएगी। कल फिर उठेंगे और चल पड़ेंगे अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि हम परिंदों की उड़ान इतने में ही नहीं थम जाएगी। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। साढ़े ग्यारह बारह बजे होंगे, तो बारिश अभी भी है कंटिन्यू, सुबह देखते हैं बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी। रुकेगी तो आपको एक बड़ा सुंदर सा इधर का व्यू दिखाता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा सुबह ही आपको डिटेल दूंगा। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह।